हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सभी आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो है जम्मू कश्मीर GKSSB की ओर से, और उन्होंने इसमें बताया है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए, और उसके बाद आपको आगे मैं सिलेबस भी डिस्कस करूँगा। ओके गाइज, तो हमारी पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास फोर्थ, जो भी क्लास फोर्थ पोस्टें आई हैं, 8500 कुछ पोस्टें जो आई हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बताया है, क्वालिफ़िकेशन है 10th। ओके, यानी कि जो 10th पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे बताया है द मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, यानी कि कम से कम मैट्रिक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो 10+2 होना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स की मुझे यहाँ पे ये मैसेजेस आते हैं, कहते हैं कि आप बताइए जो हायर क्वालिफ़िकेशन है क्या उनके पॉइंट्स मिलेंगे, जो ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, PhD है, या इस कोई भी हायर एजुकेशन हायर क्वालिफ़िकेशन वाला कैंडिडेट है, तो क्या उसके उसको पॉइंट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो हायर क्वालिफ़िकेशन वाले हैं, हायर क्वालिफ़िकेशन वालों को यहाँ पे कोई भी पॉइंट प्लस पॉइंट नहीं मिलने वाला है। इट मीन्स कि ये जो पोस्ट हैं, ये पोस्ट हैं आपके 10th लेवल की और ज़्यादा से ज़्यादा हैं 12th लेवल की, यानी कि 10th to 12th जो हैं उनके लिए यहाँ पे इनने बताया हुआ है। ओके, तो हायर एजुकेशन वालों के लिए यहाँ पे कोई पॉइंट्स एक्स्ट्रा नहीं रखे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है 10th to 12th। ओके, पे स्केल की बात कर लेते हैं। पे स्केल जो है 14,800 से लेकर 47,100 तक इनका पे स्केल रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद इन्होंने बताया है, देखिए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, देखिए क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। यूटी कैडरी पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, डिविजनल कैडरी के लिए क्या रहेगा, और आपके डिस्ट्रिक्ट कैडरी के लिए क्या रहेगा। तो गाइज, जो यूटी कैडरी की पोस्टें हैं उनके लिए इन्होंने बताया है रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का होगा। यूटी कैडरी इट मीन्स इसमें आपका जम्मू डिवीज़न एज वेल एज लद्दाख सॉरी इसमें आपका जम्मू डिवीज़न एज वेल एज कश्मीर डिवीज़न आएगा, जो ये यूटी कैडरी की पोस्टिंग होंगी। तो इसमें इन्होंने बताया है, तो कैंडिडेट पहला इनने बताया कि रिटन टेस्ट होगा जिसमें 85 मार्क्स होंगे। उसके बाद होंगे वो कैंडिडेट्स जिनकी फैमिली में से कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में काम नहीं करता है, चाहे वो PSU हो, चाहे वो कोई बोर्ड हो, ठीक है, जैसे श्राइन बोर्ड्स होते हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, तो उनमें कोई भी अगर आपकी फैमिली से एम्प्लॉयड नहीं है तो उसको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ओके, इसके बाद इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो विडोज़ हैं या डाइवर्स वुमेन हैं या जुडिशली सेपरेटेड वुमेन हैं या ऑर्फन गर्ल्स हैं उनके लिए क्या होगा, एक उनको एक सर्टिफिकेट लानी होगी तहसीलदार से, उनको भी 5 मार्क्स एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मिलेंगे। आफ्टर दैट इन्होंने बताया हुआ है कि कैजुअल वर्कर्स हैं, कैजुअल वर्कर जो 5 साल तक जिन्होंने काम किया है, कितने साल तक, 5 साल तक, तो उनको भी 5 पॉइंट्स या 5 मार्क्स इनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो गाइज, ये थी यूटी कैडरी की जो पोस्टें हैं उनके लिए क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया रखा था, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद डिविजनल कैडरी, डिविजनल कैडरी में जो आप होम डिवीज़न से होंगे, जैसे जम्मू डिवीज़न है एंड कश्मीर डिवीज़न है, तो आपके पास क्या होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में ये मेंशन होगा कि जम्मू डिवीज़न से हैं या आप कश्मीर डिवीज़न से हैं, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी। आप अगर जम्मू जम्मू से बिलोंग करते हैं तो आप अगर कश्मीर डिवीज़न में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको होम डिवीज़न में ही अप्लाई करने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो डिविजनल कैटेगरी पोस्ट में आपको 5 मार्क्स तो मिलेंगे ही, लेकिन रिटन टेस्ट जो होगा आपका 80 मार्क्स का होगा। आफ्टर दैट 5 मार्क्स उनको मिलेंगे जिनकी फैमिली में से कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज में काम नहीं करता है, 5 मार्क्स उनको विडोज़ एंड जुडिशली सेपरेटेड वुमेंस के लिए हैं, 5 मार्क्स हैं आपके केजुअल वर्कर्स जिन्होंने 5 ईयर्स तक काम किया है। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं आगे आपकी डिस्ट्रिक्ट कैडरी पोस्ट के लिए। डिस्ट्रिक्ट कैडरी पोस्ट के लिए क्या होगा, क्राइटेरिया जो है रिटन टेस्ट का, 35 मार्क्स होंगे रिटन टेस्ट के, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे होम डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो। आफ्टर दैट
जिनकी फैमिली में से कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज में काम नहीं करता है उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और उसके बाद जो विडोज़ हैं 5 मार्क्स उनको, और 5 मार्क्स मिलेंगे कैजुअल वर्कर्स को, जिन्होंने 5 साल तक एज ए कैजुअल वर्कर एक डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है, उनको एक सर्टिफिकेट लानी होगी। ओके, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि 5 मार्क्स तो उनको मिलेंगे कैजुअल वर्कर के, लेकिन उनको भी मेरिट लिस्ट में आने के लिए रिटर्न क्वालिफाई करना होगा। देखिए, मैंने बार बार बताया कि फैमिली में से आपकी अगर आपकी फैमिली में से कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज में काम नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या होता है? फैमिली यहाँ पे इन्हें मेंशन किया है मींस ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट ओनली। ओके, अगर आपकी फैमिली में से आपके फादर, आपकी मदर, आपकी ब्रदर या आपकी सिस्टर, इन चारों में से अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज में काम नहीं करता है, तो आपको 5 मार्क्स तब इस कंडीशन पे दिए जाएंगे। अगर इनमें से अगर आपके फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर, इनमें से कोई भी बंदा अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में एम्प्लॉयड है, तो उसको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे आगे ये देखते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो एनेक्सर सी में इन्होंने बताया है क्या सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, सिलेबस जो है रिटन टेस्ट क्लास फोर्थ का क्या रहने वाला, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के होंगे और 2 आवर्स का। ये मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ओके, इसीलिए आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे। तो सिलेबस की बात करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स जो है, बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पूछा गया, 20 मार्क्स का होगा ये। परसेंटेज पूछी गई है, एवरेज टाइम एंड डिस टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रोबेबिलिटी, LCM, HCF, मेंसुरेशन। ठीक है गाइस, ये सभी टॉपिक जो हैं ये आपके 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। आफ्टर दैट बेसिक रीजनिंग, रीजनिंग का पोर्शन बताया है, रीजनिंग जो है 20 मार्क्स की होने वाली है। एनालॉगीज, रिलेशनशिप कंसेप्ट, फिगर ऑड वन आउट, डायरेक्ट सेंस, फिगर सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, आफ्टर दैट इन्होंने ये बताया है, इंग्लिश भी आपको आने वाली है। पहले तो आपको मार्क्स दिखा देता हूँ, 20 मार्क्स की इंग्लिश रहने वाली है। आर्टिकल्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन, वर्ब्स, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, डिटरमाइंस, स्पेलिंग और सेंटेंसेस। ये जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है गाइस, रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आपको क्या पूछेंगे, आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने होंगे। ओके, जो लास्ट पोर्शन है वो ये है जनरल अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस, ये सबसे बड़ा पोर्शन है, ये है 40 मार्क्स का। ओके, 40 मार्क्स में से आपके जनरल करंट इवेंट्स पूछने जाएंगे नेशनल लेवल के, यानी कि करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना होगा। ओके, स्पोर्ट्स के बारे में, कौन सा अवार्ड जो है कि स्पोर्ट्स पर्सन ने जीता, ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको कि आपके किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दिया जाएगा, तो ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, कैपिटल स्टेट्स, जनरल साइंस, ये बहुत बड़ा पोर्शन है जनरल साइंस का, हेल्थ हाइजीन सैनिटेशन। ओके, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, ये आप इसको बहुत ही ध्यान दीजिएगा। ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। तो गाइस, ये है आपका ओवरऑल सिलेबस। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम यूट्यूब पे एक क्लास फोर्थ लेवल की पोस्टों के लिए एक अपना एक यूट्यूब चैनल, जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पे हम एक क्लासेस शुरू करें आपके लिए, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी ये क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनती है, उस हिसाब से हम क्लास फोर्थ का जो सिलेबस है उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। तो गाइज़, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं ये सिलेबस कवर करना फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने घर बैठे अपने मोबाइल से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया, एडवर्टाइजमेंट जो क्लास फोर्थ की आई है। तो फ्रेंड्स,
ये है हमारी वीडियो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ओके टिल द नेक्स्ट वीडियो तक। हाँ, ये हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं क्लास 4 की तैयारी करना ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारी टीम मिलके जो है आपको ये पूरा सिलेबस कवर कराएगी। तो गाइस, थैंक यू।